ओ प्यारे विद्यार्थियों, अपना दसना हैगा कि दूसरी बहुपद नूं पहली बहुपद नाल भाग करके पता करो कि पहली बहुपद दूसरी बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है जी। मतलब अगर इनू आपां इन्ना भाग करिए, आपां दसना कि इहदा गुणनखंड है। इनू अगर इन्ना भाग करते दसना कि ये जिहड़ा हैगा इहदा गुणनखंड है। मतलब जदों इस कॉलम में आपां इन्ना डिवाइड दसना करना हैगा, आपां दसना कि ये जिहड़ी कॉलम हैगी है इहदा फैक्टर है, इन्ना ही कम हैगा। फैक्टर तां होणा जदों आपां इहनूं डिवाइड करांगे, जदों इह डिवाइड आपां इहनूं इन्ना डिवाइड करांगे जां भाग करांगे, जदों सारा भाग करता एंड दे विच रिमाइंडर जीरो आ गया, बाकी जीरो आ गया, फिर तां इहदा फैक्टर हैगा। अदरवाइज ए दा गुणनखंड हैगा, नहीं तां गुणनखंड नहीं हैगा, उहदा फैक्टर नहीं हैगा। बस इन्नी गल हैगी इहदे विच। और इस होर की करना है, लिखा है किदा आपां, पहला आपां लिखांगे इहनूं सीधा ही भाग करो, ज्यादा चक्कर पैंती लाओ। लिखो 2t4 जमा, एक मिनट आपां को आ गया इत्थे कर, 2t4 जमा 3t3 माइनस 2t2 माइनस 9t माइनस 1। इनू आप भाग करांगे t2 माइनस 3 यह चीज़ समझो। कि हाँ प्यारे विद्यार्थी, जो देखो पहला आ गया t2 किन्ने ना गुणा करके 2t4 बन जाए, 2t4 बन जाए। आप t2 किन्ने ना 2t4 बन जाए, आप एक तो 2 ना गुणा करांगे, एक 2 चाहिए। t2 t4 बनाने के लिए 2 बच 2 जोड़ांगे, मतलब इनू t2 ना गुणा करांगे, क्योंकि t2 ना गुणा किया। देखो इधर t2 गुणा करना, फिर t4 कितना बनता हैगा, पहला तो 2 ना गुणा करता, फिर आपां 2 बच किन्ने जोड़िए 4 बन जाए, 2 बच 2 जोड़े, यदा मतलब t2 ना गुणा करांगे। आप पॉइंट समझ लो, ये आ गया आपां को 2t2 ने ना गुणा किया, 2t4 आ गया, फिर माइनस किया गया 3 2 6 आ गया, ना t2। हुण देखो इत्थे t3 आ गया, माइनस 3 2 6 t2, टी आई रकम ही आ गई t2 वाली, इतने आप लिखना है। ठीक है, ये माइनस आ गई, यदा निशान पहले ही माइनस है। ठीक है जी, हुण जमा का माइनस हो गया, इन हुण देखो बराबर किए कट्टन दे, कट्टता हुए जो एक जमा का एक माइनस आ, यदा जमा का माइनस आ गया, यदा ये आ गया, ये कट गया, ये रह गया। उस तो बाद जमा के बाद है 6, माइनस है 2, जमा के बाद निशान जमा का, 6 2 4 आ गया। तो फिर जो उस बाद अगे तारना है, इनू आप अगे तार दिया थले, आ मोहरे आ गई रकम इस तरह। उस तो बाद अगली माइनस 9t तारते हैं, फिर t2 किन्ना गुणा करिए, 3t2 बन जाएगा, तो 3 गुणा करा, जमा 3 आ गया, नाल टी ना इन्ना आ गया, फिर इन गुणा किया माइनस 9t आ गया, जमा आ गया, कट गया, इन्ना आ गया। ठीक है, आ कट्टे आ सब इस तरह, 4t2 इन 4t2 आ गया, ये देख लो। हुण बाकी इतने 0 आ गया, बाकी की आ गया, इतने 0 आ गया, बाकी जिन्होंने रिमाइंडर कहते, जो रिमाइंडर 0 आ गया, ये पॉलीनोमियल का फैक्टर हैगी है। ठीक है, हुण आपां लिखना हैगा थले, इत्थे आपणे लिख लियो आपणे, t2 माइनस 3, t2 माइनस 3 कौमा पा ऐसा लैके आ सारी रकम लैके दा गुणनखंड है, क्योंकि बाकी 0 है। ठीक है, बस इन्ना है। जे मान लो इतने 5 भी आ जाता, फिर यदा ये फैक्टर नहीं होना सीगा, ये जरा गुणनखंड नहीं होना है। ठीक है जी, बाकी कुछ भी आ जाता, जे मान लो 5 भी आ गया सा, मतलब जीरो जो 0 आता हैगा, फिर यदा फैक्टर हैगा। जे 0 तो मतलब कोई रकम आ गई, 1 2 4 5 माइनस 5 एक्स 7 कुछ भी आ गया, 0 तो बिना कुछ भी आता हैगा, फिर ये पॉलीनोम यदा फैक्टर नहीं हैगा, ये गुणनखंड नहीं है, बस इन्ना ही कम है। हुण थले आ लिखिया हैगा, देख लो दोबारा, 4t2 माइनस 12 थले आ गया, देख लो बाकी 0 आ गया, थोड़ा जहा पिछे नहीं कर हुआ, देख लो दोबारा देख लो, इनू आपां डिवाइड किया सीगा। ठीक है जी, हुण पिछे करता थले, बाकी 0 आ गया हैगा। चलो लो प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन आ गया हैगा कि जेकर 3x4 जमा 6x3 माइनस 2x2 माइनस 10x माइनस 5 के 2 सिफर जिहड़े हैगे आ, ठीक है, वर्गमूल 5/3 ते माइनस वर्गमूल 5/3 हो, तां बाकी 2 सिफरां पता करो। ठीक है जी, हुण कहता ना ये 2 सिफर हन, मतलब की हैगा, जदों आपां इहनूं हल करांगे उपरी रकम जिहनूं आपां fx लिखता,
ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਐਕਸੀ ਤਲ ਚਾਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿੰਗਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਸਿਫਰ ਹੈਗੇ ਵਰਗੂਨ 5/3 ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੀਮਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਵਰਗੂਨ 5/3, ਦੂਜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਗਈ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਮਾਈਨਸ ਵਰਗੂਨ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਵਰਗੂਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਸਿਫਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਬਣ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਮਾਈਨਸ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਫਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸਿਫਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਵਰਗੂ 5 ਹੈਗਾ 3 ਆ, ਅਤੇ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਮਾਈਨਸ ਵਰਗੂ 5/3 ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਰਫ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਐਕਸ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੁਆਚਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਏ ਦੀ 2 ਮਾਈਨਸ 2 ਬੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦਾ ਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀ ਗੁਣਾ ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਏ ਦੀ 2 ਮਾਈਨਸ ਬੀ 2। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 5/3 ਦਾ ਵਰਗੂਲ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਐਕਸ ਦੀ 2 ਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ 5/3 ਦੀ 2 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸ ਦੀ 2 ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਵਰਗੂਨ 5/3 ਦੀ 2, ਇਹ 2 ਨਾਲ ਵਰਗ ਬਟ ਇਕੱਲਾ ਆ ਗਿਆ 5/3। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਰਗੂਨ 5 ਦੀ 2, ਇਹ ਤਾਂ ਆਂਸਰ 5 ਹੋਣਾ, ਵਰਗੂਨ 7 ਦੀ 2, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ 7 ਹੋਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ 3/वर्गमूल 5 की 2, यदा आंसर 3/5 आना हैगा। ये देख लो, थोड़ा जहा पिछे कर लिए थले छे हैगा वाला, तो रख दस देना भी वर्गमूल 5 की 2 की आ गया, तो 5 आ गया, वर्गमूल 7 की 2 7 आ गया, ये 3/वर्गमूल, मतलब वर्गमूल च रकम कोई भी आ गई वो तक 2 आ गई, इन्हें 2 ने वर्गमूल कर देना, बच जो भी रकम आ वह आ जाएगी, इतने 7 ये आ गया, इतने ये आ गया, ये आ गया। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਫਰ ਹੈਗੇ ਆ 2, ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਨੋਮ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਬਹੁਪਦ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਜੀ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਐਕਸੀ 2 ਮਾਈਨਸ 5/3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਕੀ ਰਕਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਖ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਓਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਤਾ, ਹੁਣ ਕੁਆਸਚਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ, ਸਿਫਰ ਆ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉੱਪਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸੀ 2 ਮਾਈਨਸ 5/3, ਐਕਸੀ 2 ਮਾਈਨਸ 5 ਦੀ, ਐਕਸੀ 2 ਮਾਈਨਸ 5/3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝੋ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਹ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਐਕਸੀ 2 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ, ਐਕਸੀ 2 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਐਕਸੀ 2 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ, 3x2 ਬਣ ਜਾਊ, ਐਕਸੀ 2 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ, 3x2 ਬਣ ਜਾਊ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਐਕਸੀ 2 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ, 3x4 ਬਣ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸੀ 2 ਨੂੰ 3x4 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, 3 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ 1 ਆ, ਇੱਥੇ 3 ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ 1 ਤੀਆ 30 ਆ, 3 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਕਸੀ 2 ਨੂੰ ਐਕਸੀ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ, ਐਕਸੀ 2 ਨੂੰ ਐਕਸੀ 4 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, 2 ਵਿੱਚ 2 ਜੁੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ 4 ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਐਕਸੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਸੀ 2 ਨੂੰ 3 ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ 5/3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ 3x2 ਨਾਲ, ਇਹ 3 ਨਾਲ 3 ਕੱਟ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 5x2, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸੀ 2 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ, 6x3 ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਨਾਲ,
दो बच्चे एक जोड़ा के तीन बनता, दो बच्चे एक जोड़ा के मतलब एक्स ना गुणा करा, दो बटे एक्स ही दो कि एक्स ही तीन दस एक्स का गुणा करा ना, मतलब दो बच्चे एक जोड़ा के तीन बनता, मतलब एक्स ही एक्स ही मतलब एक का मतलब एक्स ये आ गया छे एक्स ही तीन आ गया ठीक है। फिर छे एक्स ही तीन इन्हू गुणा करना माइनस पाँच बटा तीन इन्हू गुणा करना छे एक्स में, ये आ गया तीन एक तीन तीन दूनी छे ये आ गया माइनस एक नहीं आ गया दस एक्स आ गया ठीक है जी। ये कट गया फिर इन्ना रह गया हूँ लास्ट है कि आप कोई एक्स ही दो किन्ने ना गुणा करिए कि बन जाए आप तीन ना गुणा करेंगे, हम तीन ना गुणा किता सीधा आ गया तीन एक्स ही दो आ गया अगे आ गया माइनस आ गया माइनस में जमा माइनस आ गया तीन इन्हें गुणा करता पाँच बटा तीन तीन गुणा किता तीन तीन कट गया ठीक है। एक ही आ गया माइनस पाँच आ गया बाकी जीरो आ गया, इतना पता लग गया ये तो गल क्लीयर। जो बाकी जीरो आ गया जब रिमाइंडर जीरो आ गया मतलब ये जरा फैक्टर हैगा ठीक है जी। हुण आपां की लिखांगे अगे उस तो बाद अगे होर क्वेश्चन चलना हैगा इहदे विच अगला जिहड़ा हुण अगली चीज़ आउणी हैगी फैक्टर। फैक्टर जिहड़े हैगे आ मैं तुहानूं ऑलरेडी करवा चुका उहदे विच गुणनखंड फैक्टर जिहड़ा हैगा इस मेरे चैनल दे उपर लिखिआ टेंथ नाइनथ और एट्थ क्लास का लिखिआ फैक्टर नाल लिखिआ गुणनखंड वो ध्यान नाल देखो फिर क्लीयर हो जाएगा। हुण देखो उपला आप साफ कर देना कि आ जरा है जो इन्होंने भाग किया तो बाकी जीरो आ गया यदा मतलब की हैगा ए का गुणखंड है बाकी जीरो रिमाइंडर जीरो आ गया तो यदा मतलब आ जी है रकम यह रबर की आ गई ये पोलो की है बहुत पलते रबर आ गई ये रबर की आ गई एनू आप गुणा करना इन्ना आ गया इन्ना आ गया ठीक है जी। इनू ब्रैट पा के करता हूँ आप चाहिए है अगले जो जीरो चाहिए है ठीक है जी। बाकी सिफर पता करने रमेंट जोड़े मतलब रेंदे है जीरो वो पता करने सिफर पता करने है हूँ ये दो का पता लग गया से ना तो आप बना लिया हूँ रकम जी है अगली जब तक पिछले सवाल हो गया तो आप जितना पता पिछले कर चुके हैं पिछली वीडियो हो गया ना उदू बाद आप जितों पहला होया आप बाकी लिखता जीरो आ गया उदू बाद इनू बराबर ए लिखना है ठीक है जी। इनू बराबर ए लिखना है ठीक है जी। हुण इहदे लई करना हैगा आपां नूं जे हल करन दे लई इह तां उह जिहड़ी रकम लास्ट हैगी तीन एक्स ही दो ठीक है जी जमां छे एक्स जमां तीन इहदे आपां गुणनखंड बनाउणे हैगे इहदे गुणनखंड बनाउण लई की करांगे आपां देखो इहनूं बराबर इह आ गया इह बराबर आ गया। हुण आपां इहदे आपां फैक्टर बनाउणे हैगे आ फैक्टर हुण मैं चल तुहानूं दस दिंदा इत्थे चलो कर देंगे तरीका की होंगे भी इन्हें तेनों तीन का गुणा किया नौ आ गया यह कच्चा काम वैसे नाम देखी जाए नौ आ गया तैंती नौ आ गया नौ के फैक्टर वन गए गुणखंड एक बटा नौ तेने गुणा तीन नौ ठीक है। हम देखो इतने निशान जमा दा ना इतने जमा दा है जोड़ने नौ तो एक दस ये गल बनी गई तीन बच्चे तीन छे जोड़े बन गए ये तो मतलब छे एक्स में आप दो तीन एक्स जमा तीन एक्स लिखा ये आ गया तीन एक्स ही दो जमा तीन एक्स जमा तीन एक्स जमा तीन हूँ ए गुणखंड सीखने लिए नौवीं अठवीं दसवीं तक मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बरीकी ने दसिया है भी फैक्टर है गुणखंड लिखा वो देख लियो वो सारा पॉइंट क्लीयर हो जाएगा। ये तीन एक्स कॉमन ले लिया एक्स जमा तीन आ गया एक्स जमा एक आ गया तीन कॉमन आ गया एक्स जमा एक आ गया एक आ गया तीन एक्स जमा तीन फिर की आ गया एक्स प्लस एक आ गया अभी देख लो तीन एक्स ही दो जमा छे एक्स जमा तीन आ गया अपने को ठीक है जी। तो एक मिनट हम आप लिखा एक लिख दो तीन एक्स जमा तीन बराबर जीरो लिख दो एक्स जमा एक बराबर जीरो आ गया तीन एक्स बराबर माइनस तीन आ गया एक्स बराबर माइनस तीन बटा तीन ये रबर आ गया माइनस एक आप देखना दसता कि नहीं करो हाँ दसता ठीक है। तीन एक्स जमा तीन बराबर जीरो आ गया तीन एक्स बराबर जमा माइनस तीन आ गया एक्स बराबर माइनस तीन बटा तीन आ माइनस तीन बटा तीन कट गया एक आ गया इधर आ गया एक्स माइनस एक यदा मतलब इस दे दो सिफर जिहड़े किहड़े आ गए अगले माइनस एक तो माइनस एक आ गया ठीक है। दो सिफर किहड़े आ गए माइनस एक ते माइनस एक ठीक है जी। ये आंसर आ गया
लो जी हुण आपां इहनूं फिनिश करिए।